सो गाइज एजुमेनो, जैसा कि आपको पता होगा Realme UI 2.0 विथ एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट Realme 3i, Realme Fit 2, Realme 2 Pro एंड Realme 5 फ्रिज की यूजर्स को नहीं मिलेगा। बट अभी भी कंटिन्यूसली क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, भाई क्या Realme UI 2.0 एंड एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट Realme 3i या फिर इन सभी डिवाइसों को देखने को मिल सकता है क्या? तो फर्जी मैं आपको बता दूं, जब Realme UI 2.0 के रोड मैप पे Realme के इन सभी डिवाइसों का नेम नहीं हो तो Realme UI 2.0 का सपोर्ट इन सभी डिवाइसों को नहीं मिलेगा। बट लिक्स एंड रूमर के हिसाब से कुछ एक्सटर्नल सोर्स पे यहाँ पे लिक्स निकल के देखने को मिल रहे हैं, भाई Realme UI 2.0 के जितने भी फीचर्स हैं यहाँ पे इन सभी डिवाइसों को प्रोवाइड किए जा सकते हैं, जैसे कि Realme 3i, Realme Fit 2, इन सभी मतलब जितने भी फोन Realme UI 1.0 के वर्जन पे चल रहे हैं उन सभी डिवाइसों को Realme UI 2.0 के फीचर देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, यहाँ पे स्कॉलिंग स्क्रीन शॉट का फीचर एंड स्मूथ स्कॉलिंग का फीचर, ये सभी आपको Realme UI 2.0 में देखने को मिल जाएगा। अब भैया जी आप कहेंगे भाई Realme UI 2.0 का ये सभी फीचर पे आपको कैसे पता है? तो सर जी मैं आपको बता दूँ कि भाई यहाँ पे जो Realme ले में आपको यहाँ पे सुपर नाइट टाइम स्टैंडबाई का फीचर मिला, स्मूथ स्कॉलिंग का फीचर मिला, इन सभी फीचर को आपको Realme UI 2.0 में स्टेबल करके मतलब आपके Realme लैब पे हटा करके इसको स्टेबल अपडेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मतलब Realme UI 2.0 में आपको Realme लैब में ये सभी फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। एंड इसके बाद और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि आपको बता दूं भाई, जैसे कि हमारे फ़ोन में जब हमारा फ़ोन एंड्राइड 9.5 पर रन कर रहा था तभी हमारे फ़ोन में डार्क मोड का ऑप्शन अवेलेबल करा दिया गया था Realme की तरफ से। तो भैया जी वो सबसे पहले Realme लैब में ऐड किया गया था, एंड जब हमारे फ़ोन में Realme UI 1.0 का सपोर्ट मिला तो Realme लैब पे हटा करके इसको स्टेबल कर दिया गया, उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट्स भी कर दिया गया। तो भैया जी कुछ ऐसा ही होने वाला है, एंड आपके फ़ोन में Realme UI 2.0 के फीचर देखने को मिल जाएंगे, ये कुछ एक्सटर्नल लीक फ्रेंड रूमर के हिसाब पे बता रहे हैं। एंड यहाँ पे भी आपके फ़ोन में जो सुपर नाइट टाइम स्टैंडबाई का फीचर देखने को मिला, एंड यहाँ पे और भी आपके फ़ोन में नेक्स्ट अपडेट के थ्रू यहाँ पे सुपर पावर सेविंग मोड का भी फीचर ऐड कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे आपके फ़ोन में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है इसके रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा कुछ चेंजेस किए गए हैं, एंड स्क्रॉलिंग स्क्रीन शॉट का फीचर, ये भी फीचर Realme UI 2.0 के साथ ही में ही आपको देखने को मिल जाएगा Realme की तरफ से। एंड बात कर लेते हैं भाई ये जो अपडेट है या फिर ये सभी फीचर हमारे फ़ोन में कब तक प्रोवाइड किए जाने वाले हैं, तो फिर जी मैं आपको बता दूँ ये सभी फीचर आपको इतने जल्दी देखने को नहीं मिलने वाले, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। कितना समय लगेगा भाई? जब ये Realme UI 2.0 का सपोर्ट लगभग में भी काफ़ी सारे फोन को अवेलेबल करा दिया जाएगा। हालांकि आपको सिक्योरिटी पैच के आधार पे मतलब जो आपको मंथली अपडेट्स मिलते हैं उन सभी अपडेट के थ्रू नए नए फीचर देखने को मिलेंगे। हालांकि मतलब आपको जो अक्टूबर का अपडेट आएगा उसमें आपको सुपर पावर सेविंग मोड का फीचर एंड उसके बाद वन हैंड का फीचर, भाई वन हैंड आप वो छोटा वाला मत समझ लीजिए, आपका स्क्रीन छोटा हो जाएगा, मैं उस वाले फीचर के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि कलरेशन पॉइंट 2 में देखने को मिला है ओप्पो के फ़ोन में। जैसे कि आपने एक ही हाथ से सारे के सारे ऐप को अपने पास में रख करके यूज कर सकते हैं, ये सभी फीचर का सपोर्ट Realme UI 1.0 में जितने भी फोन रन कर रहे हैं उन सभी डिवाइसों को देखने को मिल जाएगा Realme की तरफ से। देन Realme UI 2.0 के मोस्टली फीचर्स आपके फ़ोन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे Realme की तरफ। जैसा कि आप भी यहाँ पे समझ सकते हैं भाई, Realme के जितने भी डिवाइसें हैं उन सभी डिवाइसों में डार्क मोड वाला फीचर अवेलेबल कराया गया है Realme की तरफ पे। बट अगर आप कहेंगे भाई डार्क मोड तो Android 10 का फीचर है तो भाई Android 9 पे कैसे रन कर रहा है, तो मे भी आप समझ चुके होंगे या फिर समझ रहे हैं कि भाई Realme UI 2.0 का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे लगभग कॉपीराइट फीचर हमारे फ़ोन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे Realme की तरफ। एंड बात करें इसके फीचर्स के बारे में कब तक प्रोवाइड किया जाएगा, ये सभी फीचर आपको mid-2021 में देखने को मिलेगा, अराउंड mid-2021 में। एंड यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर आपको मंथली वाले अपडेट के थ्रू मिलते रहेंगे, इसके रिलेटेड आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट फॉर रीजन ब्रो, क्योंकि यहाँ पे Realme 3i, Realme 5 फ्रिज के यूजर एंड Realme Fit 2, Realme 2 Pro ये तो पुराना हो गया, बट यहाँ पे जो रिसेंटली फोन है भाई इसमें Realme UI 2.0 का सपोर्ट नहीं मिलता है, Android 11 का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो भाई ये सब रिसेंटली के फोन भाई Android 11 का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप जो न्यू फीचर्स को डेवलप कर रहे हैं एंड वो सभी अपडेट्स आप न्यू फोन को देंगे तो भाई पुराना फोन कौन खरीदेगा यार, वही बात है ना। यहाँ पे Realme UI 2.0 के लगभग सभी फीचर्स Realme के कुछ अदर स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएंगे, इसके रिलेटेड आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड दैट्स इट, एंड यार बहुत सारा थैंक, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन हो जाइए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स की न्यूज़
सबसे पहले मिलती रहे।